अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और एक मैं ज़बरदस्त शेक आपको बनाने का तरीका सिखाऊंगी। उसके लिए आपको चाहिए एक गिलास दूध, एक चुटकी ज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान असल हालत में होना चाहिए, और इसमें इस्तेमाल करूंगी मैं हनी, शहद, और हमने इस्तेमाल करना है इसमें 7 बादाम छिलकों समेत। आपने पहले करना क्या है, बादाम लें, बादाम को पीस लें। मैंने बहुत सारे बादाम छिलकों समेत पीस के इस तरह मैंने पाउडर बना के फ्रिज में रख दिया था, और ये मैं जब भी इस्तेमाल करने हो ये मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, एक गिलास दूध ले लें। एक गिलास दूध में आपने सबसे पहले ये देखें, एक चुटकी ज़ाफ़रान, एक चुटकी में ये देखें कितने होंगे, ये देखें इतने से ज़ाफ़रान, एक चुटकी ज़ाफ़रान, और आपने इसमें 2 खाने के चम्मच, इसमें 2 खाने के चम्मच आपने इसमें डाल देने हैं उसके बादाम के। अगर आप आपके बच्चे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते तो आप इनको थोड़ा भी डाल सकते हैं। मैंने 2 खाने की चम्मच बादाम का पाउडर डाल दिया है। नहीं, अगर बच्चे ज़्यादा लेते तो आप 7 बादाम ले लें और उन्हें छिलकों समेत पीस कर पाउडर बना लें, और 7 बादाम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल 1 चम्मच डाली है। इसके बाद आपने इसमें डालना है शहद। शहद मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून। हाफ टेबल स्पून मैंने शहद डाल दिया, ये देखिए। अब इसको मिक्स कर लें और इसे नाश्ते में अपनी रूटीन बना लें। ये नाश्ते में आप इस्तेमाल करें, बेहतरीन है ये। सुबह के नाश्ते में दूध का 1 गिलास, बीच में बादाम के छिलकों समेत बादाम, और थोड़ा सा चुटकी ज़ाफ़रान, और इसमें आपने शहद डाल दिया। आप शहद नहीं डाल सकते तो आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इससे ज़्यादा इसे और भी ज़बरदस्त शेक बनाना हो तो आप इसमें 1 छिलके समेत 1 सेब लें, छोटा सेब लें, और इसमें डाल के इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद ये आपको एप्पल शेक बन जाएगा, जिसमें बादाम भी होंगे और ज़ाफ़रान भी होगा, और इसमें हनी भी होगा। आप इसमें 1 अदद सेब छिलके समेत डाल दें। ये ज़बरदस्त शेक है। ये आपकी तमाम पूरी बॉडी को डार्क टोन से लाइट टोन देगा, यानी रंग गोरा करेगा, और गाल गुलाबी ऐसे होंगे जैसे पठानों के बच्चों के लाल गुलाबी गाल होते हैं, लाल लाल होते हैं ना, वैसे आपके गाल लाल हो जाएंगे, पिंकी शेड आएगी। रोज़ाना नाश्ते में इसे पीना चाहिए। इससे आपका जिस्म चुस्त तवाना भी रहता है, और शहद भी है इसमें, ज़ाफ़रान भी है, बादाम भी है, तो ये ज़बरदस्त एक बूस्टर बन जाता है। उम्मीद करती हूँ आज का जो शेक, आज का जो ड्रिंक, मिक्स ड्रिंक आपको पसंद आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो तक लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।